हम लोग खड़े हैं और लेने के लिए आज एक अद्भुत, लोग कहते हैं ना कि ना जाने किस भेष में मिल जाए राम, तो मुझे नहीं पता था लेकिन आज आ गए हैं गौतम साहब। गौतम साहब हमारे बीच में है और गौतम साहब हमें लेने के लिए आए हैं और गौतम साहब के पास मैं आज रहूँगा और पटना में मतलब एक सप्ताह नियर अबाउट मुझे रहना होगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं इधर है गौतम फैमिली ब्लॉग, हम लोग आ गए हैं गौतम फैमिली ब्लॉग पे और हमारे बीच में भैया जी हैं गौतम जी। गौतम जी भैया नहीं बोलेगा, गौतम भैया हैं और गौतम भैया हमको लेने के लिए आ गए हैं। मैं जैसे ही आया तो गौतम भैया चले आए और बहुत बेचारे जो बहुत अच्छा लगा और उनके हौसला को ओढ़ना बिछौना है तो दे दीजिए ओढ़ने ओढ़ने के लिए। अब भैया ओढ़ना बिछौना तो नहीं है लेकिन अब एक मेरे पास साल है उसको मैं दे देता हूँ, निकालो बेटा साल है ऐसे ही था। गौतम साहब इसको गौतम भैया है और गौतम भैया हमको लेने के लिए आ गए। मैं जैसे ही आया तो गौतम भैया चले आए और बहुत बेचारे जो बहुत अच्छा लगा और उनके हौसला को मैं सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि जितेंद्र को सहानुभूति नहीं हौसला चाहिए, तो इस साल तो इनके पास नहीं था लेकिन आज मैं इनको फिर से सम्मानित करता हूँ और इनका हौसला है कि मैं मांग के खाऊंगा लेकिन क्या होता है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हौसला नहीं, हमको मेहनत करके क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि मैं भीख मांग, आज के बाद आप भीख नहीं मांगे, हमको कहूँ काम धाम लगवा दीजिए, ठीक है। हाँ भैया देख लीजिए भीख मांग रहे थे और ऐसे था, आप लोग जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है अब इनको साल की जरूरत पड़ गई। ये साल तो लिए थे लेकिन आज इसी साल से सम्मानित के साथ इनको कहेंगे कि आप लोग रोजगार दीजिए, ऐसे लोगों की रोजगार की हम लोग को रोजगार दीजिए। इसको पकड़िए आप देख सकते जय श्री राम, आपको ठंड ना लगे जी भैया, इसलिए मतलब ये आपको मैं दे दिया, ठीक है। और आप बचिए, खाना वाना भी खाएंगे तो खाना खा लिए हैं तो ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे भटकते रहते जी भैया। भैया देख लीजिए रेलवे स्टेशन पे भटकते रहते अब इनको रोजगार की जरूरत है, ऐसे इनको तो दिव्यांग बना दिया गया लेकिन रोजगार की जरूरत है और मैं चाहूंगा कि पटना और बिहार नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से मैं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और फिर से आ गया हूँ पटना, वही पटना आप देख सकते हैं पटना जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं और लेने के लिए आज एक अद्भुत, लोग कहते हैं ना कि ना जाने किस भेष में मिल जाए राम, तो मुझे नहीं पता था लेकिन आज आ गए हैं गौतम साहब। गौतम साहब हमारे बीच में है और गौतम साहब हमें लेने के लिए आए हैं और गौतम साहब के पास मैं आज रहूँगा और पटना में मतलब एक सप्ताह नियर अबाउट मुझे रहना होगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं इधर है गौतम फैमिली ब्लॉग, हम लोग आ गए हैं गौतम फैमिली ब्लॉग पे और हमारे बीच में भैया जी हैं गौतम जी। गौतम जी भैया नहीं बोलेगा, गौतम भैया हैं और गौतम भैया हमको लेने के लिए आ गए। मैं जैसे ही आया तो गौतम भैया चले आए और बहुत बेचारे जो बहुत अच्छा लगा और उनके हौसला को मैं सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि जितेंद्र को सहानुभूति नहीं हौसला चाहिए, तो ऐसे आज इनको हौसले की ज़रूरत है और हौसला जैसे ही मिलेगा गौतम जी उड़ने लगेंगे, अभी तो गाड़ी से है लेकिन कल उड़ने लगेंगे, जहाज की यात्रा ऐसे ही करेंगे गौतम फैमिली ब्लॉग्स करके। अब हम हैं पटना, आप देख सकते हैं पटना है, पटना में ऐसे ही कई बार आना हुआ लेकिन ये मेरा पटना में तीसरी बार आना हुआ है और आप लोग कहते हैं कि भैया आते हैं तो अब बताते नहीं हैं कि मैं कहाँ आ गया, तो मैं आज बता दूं कि पटना आ गया हूँ और पटना आने का उद्देश्य यही है कि एक सप्ताह मैं पटना में ही रहूँगा और पटना में खान सर के साथ फिर वीडियो होगा, मेहमान के साथ फिर वीडियो होगा, आयंस के मम्मी के साथ फिर वीडियो होगा, ऐसे मतलब और कुछ नए चीज़ मिलेंगे उसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। अब मैं पटना, आप देख सकते हैं पटना कितना सुंदर है, ऐसे सुंदर स्वच्छ और सुंदर दोनों है, अच्छा लग रहा है यहाँ का दृश्य देखकर, यहाँ का मनमोहक दृश्य बड़ा अद्भुत है। इधर देख सकते हैं जो महात्मा बुद्ध जी का सब कुछ लगा हुआ है, इधर हम स्वतंत्रता संग्राम नालंदा विश्वविद्यालय मतलब सब कुछ इसमें है, यहाँ है मंदिर है महावीर जी का, ये मंदिर है आप देख सकते हैं महावीर जी का मंदिर भी सज धज के तैयार है और ऐसे ही रात को मतलब अच्छा लगता है कि मतलब ये सब देखने को मिलता है, बहुत अद्भुत दृश्य रहता है और
क्या कहा जाए। अब देखिए भैया जुड़ गए हमसे, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार मायने में। अरे बाप रे बाप, ये है आशीष कुमार मायने में, क्या करते हैं आशीष साहब? हमने समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति नव जागृति सेवा कोटिन में काम करते थे। अच्छा, करीब आ रहा हूँ, करीब। हाँ, एक छुट्टी के जगह पर दो छुट्टी हुआ। अरे तो हमसे बड़ा अधिकारी आया ADS, हमारा नाम काट दिया। अरे नाम काट दिया, रजिस्टर पर से था, अभी भटक रहे, भीख मांग रहे, खा रहे, मांग रहे। कहाँ पे आप ड्यूटी करते थे? कहाँ? समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति नव जागृति सेवा कोटिन में काम करते थे, शिवपुरी रोड नंबर 1 में। अच्छा भैया, देख लीजिए, आप कहते हैं ना कि ये सब कहाँ से आ जाता है, तो ऐसे ही तमाम टीका टिप्पणी नहीं करना है हमको, बताना है कि मतलब ऐसे। आप देख लीजिए इनकी अवस्था क्या है, भैया दिव्यांग हो गए, एक तो रोजगार से दिव्यांग हो गए, दूसरे ऐसे भी दिव्यांग हो गए। अब क्या मजबूरन मांग खा रहा हूँ, चोरी चमारी करने से अच्छा, आप लोग नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दीजिए, हम नौकरी काम करूँगा थोड़ा सा। नौकरी का काम कर, कितना पढ़े हैं? शिक्षा दीक्षा क्या है आपकी? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की है। तो फिर नौकरी कैसे करने लगे? जो काय नहीं, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिए। वाशिंग मशीन में कपड़ा धुलाई करते थे। अच्छा, तो कपड़ा धुलाई करते थे, हमको 6,000 रुपया वहाँ सैलरी मिलता था वाशिंग मशीन में। अच्छा अच्छा, बात है जो साहब। कितने महीने आपने नौकरी वहाँ पे? वहाँ 5 साल नौकरी की है। 5 साल नौकरी की? कब से कब तक की है? 13 से स्टार्ट किए हैं, समझिए कि 18-19 में छोड़ दिए। भैया देख लीजिए, इनको नौकरी से मतलब निकाल दिया गया। कौन निकाला आपको? ADS आके हमको निकाल दिया। ADS आप निकाल दिए, क्या कहे आपको? हमको रजिस्टर पर से नाम ही काट दिया था, हम क्या करें? अब बोला कि तुमको यहाँ से इस्तीफा जाओ। भैया देख लीजिए, नौकरी से भी दिव्यांग बन गए, तो पैर से हाथ से दिव्यांग ही है। अब इनके लिए कोई क्या करेगा? क्या करना चाहेंगे? खाना चाहेंगे आप? खाना वाना खाए कि नहीं? खाना तो खा लिया बाबू, कुछ ओढ़ना बिछौना है तो दे दीजिए ओढ़ने ओढ़ने के लिए। अब भैया ओढ़ना बिछौना तो नहीं है, लेकिन अब एक मेरे पास साल है, उसको मैं दे देता हूँ। निकालो बेटा साल है। ऐसे ही था गौतम साहब, इसको पकड़ इसी में है। अच्छा गौतम, इसमें देखिए तो किधर है। धन्यवाद दीदी। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। सही साल तो इनके पास नहीं था, लेकिन आज मैं इनको फिर से सम्मानित करता हूँ। और इनका हौसला है कि मैं मांग के खाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? हौसला नहीं, हमको मेहनत करके हौसला। तो मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि मैं भीख मांग? आज के बाद आप भीख नहीं मांगेंगे, हमको कहूँ काम धाम लगवा दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ भैया देख लीजिए, भीख मांग रहे थे और ऐसे था, आप लोग जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है। अब इनको साल की जरूरत पड़ गई, ये साल तो लिए थे, लेकिन आज इसी साल से इनको सम्मानित करेंगे और सम्मानित के साथ इनको कहेंगे कि आप लोग रोजगार दीजिए, ऐसे लोगों की रोजगार की जरूरत है। हम लोग को रोजगार दीजिए। इसको पकड़िए आप देख सकते। जय श्री राम। आपको ठंड ना लगे जी भैया, इसलिए मतलब ये आपको मैं दे दिया, ठीक है? और आप बचिए, खाना वाना भी खाएंगे तो बताइए। खाना खा लिए भैया। खाना खा लिए हैं भैया? तो ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे भटकते रहते जी भैया। जी भैया, भैया देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे भटकते रहते, अब इनको रोजगार की जरूरत है। ऐसे इनको तो दिव्यांग बना दिया गया, लेकिन रोजगार की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि पटना और बिहार के सरकार से चाहूंगा कि ऐसे जवाब लोगों को रोजगार देने की आप कृपा करें, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। मौसम भी ठंड का आ रहा है, ठीक है? और इस ठंड के मौसम में ये कहाँ जाएंगे? तो ये और कुछ चाहिए तो बताइए। बाकी आपने साल का व्यवस्था किया? मैं साल का व्यवस्था कर दूँगा, ठीक है ना? हमको बोर का इलाज करवाना बाबू। पैर इनका आप देख सकते हैं, पैर इनका खराब हो चुका है, खोलिए बात। पैर हमको बहुत डैमेज हो गया बाबू, हमको कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, गोर का ऑपरेशन। आप देख सकते हैं इनका पैर भी खराब हो गया है। भैया करें तो क्या करें? करवाना, ऐसे लोग हैं, अब इनको क्या कोई आगे पीछे देखने वाला दीदी नहीं है। कंबल दे दीजिए भैया, अभी ना भैया कंबल दे दिए बेटा, अब क्या दे बताओ? साल हो रहा है, साल देखिए भैया कंबल। चलिए कोशिश करूंगा, आगे फिर आपके लिए कुछ करना चाहूंगा मैं, ठीक है जी भैया? साल तो रखा था, ठीक है, बस ऐसे ही है, होता रहता है। आप जैसे लोग भैया, ठीक है, आप लोग का मेहरबानी हो दीदी भैया लोग को, कि हम लोग गरीब लाचार लोग को इधर करो, इधर थोड़ा सा करीब करो। तो चलिए फिर से मतलब कोशिश किया जाए, इसको बांध लीजिए और दवा के लिए अस्पताल जाइए आप, ठीक है? अस्पताल में अगर नहीं सुनवाई होगी तो बताइएगा, ठीक है भैया? ऐसा ही राम है, पटना में आ गया, पटना में आया तो मतलब ऐसे लोगों का तमाम क्या कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो बताओ? तुम तो बहुत अच्छे खासे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? तो फिर ऐसे कहाँ घूम रहे हो?
आए कहाँ घूम रहे बताओ भैया। देख लीजिए कुछ लोग का शौक है लेकिन इनका मजबूरी था इसलिए मैंने किया। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसा करें, करना चाहिए। जाड़े का मौसम है, इनको ठंड लग रहा था, मैंने साल का बंदोबस्त किया। और ऐसे तमाम आप जानते हैं, वीडियो में देखते होंगे कि जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता। तो आज मैं पटना में हूँ और पटना में एक सप्ताह रहूँगा। अगर आपको लगता होगा तो एक बार फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।